जैन चौधरी पर ही अगर वापस आ जाएं, कब आ रहे हैं, कब तक उनकी भी वापसी हो रही है आपको? इंतजार करिए, धैर्य रखिए, जल्द ही आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। बहुत पहले मैंने कहा था, तो उस समय अखिलेश जी को भी बुरा लगा था कि समाजवादी पार्टी के बहुतेरे विधायक बहुतेरे नेता बीजेपी में जाने की तैयारी में, तो उन्होंने हमसे कहा कि अपना बचा लीजिए, हम तो बचा लिए, उनके दारा चौहान जी चले गए। आप लोगों के स्क्रीन पर कई चेहरे के नाम आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, उनका किसी से पटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनडीए के नए घटक दल के तौर पर लगातार बोल रहे ओपी राजभर हमारे साथ में विधानसभा के सत्र में मौजूद हैं। राजभर जी, आज एक बड़ी चीज सरकार कह रही है, 1980 के दंगों की रिपोर्ट को उन्होंने पटल पे रखा है, जो सर कोई पिछली सरकार नहीं कर पाई, उस काम का दारोमदार रख रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो जब बीजेपी की सरकार थी तब क्या हुआ, और जो इसमें क्लीन चिट दी गई है वो क्या दिखाती है? देखिए, जो विपक्ष है, सही करिए तब भी विरोध, उनका काम विरोध है। वो कहते हैं कि चर्चा नहीं होती है, हमारे सामने जो घटनाएं होती हैं उसका उजागर नहीं होता है, सरकार कार्रवाई क्या करती है उसकी रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती है। जब सरकार वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो फिर ये भागने लगते हैं। जैसे कल की भी घटना मैं बताऊं, सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दल के लोगों ने तय किया कि सरकार ने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष के जो लोग थे वो लोग कहें कि हम महंगाई के मुद्दे पर, बाढ़ के मुद्दे पर, सूखा के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे, जिस मुद्दे पर विपक्ष चाहे हम चर्चा को तैयार हैं। तय हो गया, सदन में गए। अब सदन में इतना बारीकी से सपा वाले काम करते हैं, सरकार का भी सहयोग करते हैं, पता भी नहीं लगता है। कल मैंने देखा कि विपक्ष हल्ला कर रहा है और सारी कार्रवाई पूरी भी करा दिया, प्रश्नकाल भी पूरा हो गया, जो विधेयक थे वो भी पास हो गया, नियम 51 और 56 भी हो गया, सदन पूरी तरह चल गया। एक तरफ सहयोग भी कर रहे हैं और जनता के बीच में दिखा रहे हैं बिना वजह। मणिपुर की घटना, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, आप भाग क्यों रहे हो? तो मणिपुर विधानसभा की घटना है तो उसकी निंदा, मणिपुर की घटना की निंदा हम भी उसकी निंदा करते हैं, अखिलेश जी भी करते हैं, सब लोग निंदा करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर जब मणिपुर की कड़ी निंदा किया, सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिया, कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करने के लिए बोल दिया, तो अब क्या बचता है? लेकिन इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल हो रहा है कि अभी इसकी क्या जरूरत थी? सभी विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना हो इसलिए ये शगुफा रख दिया गया, रिपोर्ट रख दी गई। आपको लग रहा है कि दंगा और दंगाइयों के खिलाफ पॉलिसी की बात जो योगी सरकार कर रही है उसी को दिखाती हुई रिपोर्ट भी है? नहीं नहीं, देखिए, जो रिपोर्ट है, जो सच्चाई विपक्ष कहता है ना कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, तो एक आईना है ना सरकार के सामने कि देखो ये हमने निष्पक्ष जांच कराया है और जांच की ये रिपोर्ट है, आप देख लो, चर्चा कर लो इस पे, अगर चर्चा करना चाहते हो और मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हो तो आप कर लो। सरकार भाग कहाँ रही है? भाग तो ये लोग रहे हैं। देखिए, आजादी के बाद जो काम कांग्रेस ने किया, बसपा सपा ने किया, आज की जो सरकार बीजेपी की है, एनडीए की, देश और प्रदेश में तो जो विकास के काम हो रहे हैं उस काम को उजागर न हो, भाई चर्चा अगर ये करेंगे किसी बिंदु पर तो इनके 5 साल के कार्यकाल प्लस इधर 5 साल के कार्यकाल की जब तुलना होती है तब वो फेल होने लगते हैं। चाहे गन्ना भुगतान के सवाल पे चर्चा हो, चाहे महंगाई के सवाल पे चर्चा हो, बेरोजगारी के सवाल पे हो, चाहे शिक्षक भर्ती के मामला हो, चाहे किसी मामले पर जब पिछली सरकारों की तुलना होती है इस सरकार की, तो उनकी तुलना में 4 गुना 3 गुना 5 गुना बेहतर ये सरकार कर रही है। तो अब ये उन लोगों को बुरा लग रहा है कि ये सरकार कर क्यों रही है, हम लोग नहीं करते थे जिस काम को, उस काम को ये सरकार कर रही है। भाई, ये हमने देखा है कि गरीबों का राशन सपाइयों के मजबूत पशुओं के यहां पहुंच करके उनको चारा मिलता था, जो बच्चों के लिए आहार जाता था पुष्ट आहार, वो
मंत्रियों तक के भाई से गाय को खिलाए जाते थे। अब इसका खुलासा कि अब वो बच्चों तक पहुंच रहा है, जो राशन वितरित होता है अब वो ऑनलाइन सिस्टम हो करके जो पात्र व्यक्ति है उसको मिल रहा है। ये सब तो राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन कल आपकी मुलाकात भी अखिलेश यादव से हुई है और सदन के अंदर जो तस्वीर दिख रही थी, जो आपसे मिलना हो रहा था, क्या पुरानी दोस्ती को लेकर के भी बातचीत हुई है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये शिष्टाचार मिला सदन के अंदर, एक शिष्टाचार है कि सभी पार्टी के नेता एक दूसरे नेता से मिलते हैं। उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी भी सबसे मिले, हम भी मिले, तो शिष्टाचार मुलाकात सदन में जब भेंट होती है तो सदन के बाहर तीर धनुष अलग और सदन के अंदर अलग। मुस्कुरा के आपसे हाथ मिलाया, दोस्ती है, दोस्ती अभी भी है? दोस्ती तो हमारी सबसे रहती है, हमारी दोस्ती धरती पर रहने वाले हर जीव से है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। विचारों से हमारा झगड़ा होता है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं गरीब कमजोर वंचित शोषित पीड़ित की, हम उसके लिए लड़ते हैं। आप सरकार में थे तो आपने क्यों नहीं किया, चाहे वो जातिवार जनगणना का मामला हो। हम तो इनसे अच्छा हम नीतीश जी को मानते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट दे दिया, आदेश भी कर दिया जनगणना का, और जनगणना कर रहे हैं। आप क्या किए? अब तो विरोध की बात हो जाएगी कि आप सरकार में 5 साल थे तो आपने इसके लिए बजट क्यों नहीं दिया। आज आप बिजली के बिल माफी की बात कर रहे हो, आप कल जो है जर्जर तार की दुहाई आप दे रहे हो, 5 साल सरकार में थे, 5 साल में अगर तार बदला होता आज ये नौबत नहीं आती। आज जो पुराने ट्रांसफर खराब ट्रांसफार्मर थे, आपने अगर उसको बेहतर किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन एक चीज और सवाल आखिरी है, क्योंकि जयंत चौधरी कल पहुंचे नहीं दिल्ली सेवा बिल पर मतदान करने के लिए, आपको क्या लग रहा है जो बातें चर्चा में चल रही है? जेपीएस राठौर तो ये तक कह रहे हैं कि सूट सिलवा लीजिए, तैयारी कर लीजिए। देखिए बहुत पहले मैंने कहा था तो उस समय अखिलेश जी को भी बुरा लगा था कि समाजवादी पार्टी के बहुतेरे विधायक बहुतेरे नेता बीजेपी में जाने की तैयारी में है, तो उन्होंने हमसे कहा कि अपना बचा लीजिए, हम तो बचा लिए, उनके दारा चौहान जी चले गए। आप लोगों के स्क्रीन पर कई चेहरे के नाम आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, उनका किसी से पटा कहां है? बसपा से 2 बार गठबंधन किया टूट गया, कांग्रेस से गठबंधन किया टूट गया, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया टूट गया, चौधरी अजीत से गठबंधन किया टूट गया। वो करते हैं, टूटता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मजे की बात है कि ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन टूटा है तो सबसे ज्यादा अगर इस समय निशाने पर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी के लोग फर्जी जो बयान, जैसे आप हमसे बयान ले रहे हैं, इस बयान में ऐसे वीडियो को काट पीट करके ऐसा वीडियो बना के नफरत पैदा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो वीडियो को काट पीट करके ऐसा बना करके नफरत पैदा कर रहे हैं धरती पर जनता के बीच में, कि मैं तो ताजुब हूं कि ऐसे ऐसे फरार 420 समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैंने जब देखा वीडियो, अभी अरविंद राजभर का, अभी मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, अरविंद राजभर का एक वीडियो है, वो गया था उत्तराखंड, उत्तराखंड से वो लौटा, लौटने समय कहीं वो अपना रुका हुआ था, उस समय कोई पत्रकार साथी ने उसे सवाल किया, जब सवाल किया तो सवाल का जवाब वो दे रहा था, उस सवाल के जवाब में उन्होंने जो बिंदु किया, तो जिन बिंदु पर अब देखिए, अब दोनों चीज हम आपको दिखा रहे हैं, अब देखिए पूरे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखा जाए तो हर स्तर से अखिलेश यादव कमजोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। अब जो कुछ भी वो माहौल बना रहे हैं वो माहौल 24 के चुनाव के लिए नहीं, ये माहौल 2027 के चुनाव के लिए बनाया जाए। आरएलडी को भी आप लोग लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? हम थोड़ी लुभा रहे हैं, वो अपने से लोभित हो रहे हैं, वो खुद ही चाह रहे हैं कि एनडीए में कोनो दरवाजा खुल जाए। आप बता दीजिए, हम आपको बता रहे हैं, बस आपने देखा ना, आप देखिए ये जोड़ करके क्या चला रहा है, ये जोड़ के क्या चला रहा है, अब देखिए। अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश का सिनेरियो देखा जाए तो हर स्तर से अखिलेश यादव कमजोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके बाजा बजा के गोली मारनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका कहना है, लेकिन जयंत चौधरी पर ही अगर वापस आ जाएं, कब आ रहे हैं, कब तक उनकी भी वापसी हो रही है, आपको क्या? इंतजार करिए, धैर्य रखिए,
जल्द ही आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। और आपके अभी इंतजार हमको, आप कब मिठाई खिला रहे हैं वापसी की सरकार? हाँ जल्द ही आपको मिठाई खिलाएंगे। तमाम सवालों के जवाब दिए और कहीं ना कहीं दंगों की राजनीति को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है, तो वहीं कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के मतदान ना देने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।